हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रिव्यूज। तो फाइनली फाइटर मूवी की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नंबर 15 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यस, यानी कि आप सभी को पता है कि कल फाइटर मूवी जो कि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, और इस टाइम इस मूवी की पूरे इंडिया में एडवांस बुकिंग चली है। कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कितने टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, और ये मूवी कल कितने स्क्रीन काउंट के ऊपर रिलीज होने वाली है, और ये मूवी फर्स्ट डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइटर मूवी का इस टाइम पब्लिक के अंदर काफी बड़े लेवल पर क्रेज है, तो सबसे पहले बात करेंगे फाइटर मूवी की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है। तो दोस्तों, यहां पर जो एडवांस बुकिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके मुताबिक फाइटर मूवी की हिंदी 2D से 2.29 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई, यानी कि 2,29,00,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। 87,990 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 7,501 शोज आउट हुए हैं। हिंदी 3D से मूवी की 3.34 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई, यानी कि 3,34,00,000 एडवांस बुकिंग हुई है। 1,04,731 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 6,410 शोज हैं। हिंदी IMX 3D से इस मूवी की 50 लाख के एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 50 लाख के एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 8,709 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 117 शोज हैं। हिंदी 4DX 3D से इस मूवी की 17 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 17 लाख के एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 2,956 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, 113 शोज हैं। उसके बाद हिंदी ICE 3D से इस मूवी की ओनली 3 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 516 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 10 शोज हैं। हिंदी IMX 2D से इस मूवी की 1 लाख प्लस की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 224 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, ओनली 3 शोज हैं। वहीं अगर बात करें पूरे इंडिया से, तो भाई साहब अभी तक फाइटर मूवी की पूरे इंडिया से जो एडवांस बुकिंग हुई है वो 6.35 करोड़ है। यस, यानी कि 6,35,00,000 की अभी तक फाइटर मूवी की पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग हुई है, जो कि काफी अच्छी एडवांस बुकिंग है। यस, यानी कि बहुत बड़ी एडवांस बुकिंग भी नहीं है और बहुत ज्यादा अच्छी एडवांस बुकिंग भी नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक एवरेज एडवांस बुकिंग है। यस, यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि भाई साहब फर्स्ट पर जो फाइटर मूवी की पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग होगी वो 12 से 15 करोड़ तक जाएगी। लेकिन यहां पर अभी आप सभी को पता है कि काफी समय है, बायस अब इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो 10 करोड़ को टच कर सकती है, और उसके साथ-साथ इस मूवी के अभी तक पूरे इंडिया से 2,05,126 टिकट सोल्ड आउट हुए, यानी कि 2,05,126 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। 14,174 शोज हैं, यस, यानी कि 14,174 शोज हैं। और मैंने आप सभी को बताया था कि बायस ऑफ फर्स्ट डे पर इस मूवी के पास लगभग 15,000 प्लस शोज होंगे, और यहां पर अभी से इस मूवी के पास 14,000 प्लस शोज हैं। तो बायस ऑफ मॉर्निंग तक जो शोज हैं ये 15,000 प्लस हो जाएंगे, या शायद 16,000 तक भी चले जाएं। और वहीं अगर बात करें ये मूवी फर्स्ट डे पर कितनी स्क्रीन के ऊपर रिलीज होने वाली है, तो यहां पर इस मूवी के स्क्रीन काउंट को लेकर जो डिटेल निकल कर आई है वो यही है कि भाई साहब इस मूवी को फर्स्ट डे पर पूरे इंडिया में 4,250 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया जाएगा। यस, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो स्क्रीन्स काउंट है वो भाई साहब बहुत ही ज्यादा कमाल के, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी थिएटर्स के अंदर भाई साहब सलार मूवी चल रही है, डंकी मूवी चल रही है, गुंडनकार मूवी कुछ तेलुगु स्टेट्स में चल रही है, और उसके साथ-साथ आप सभी को पता है कि जो कैप्टन मिलर है, हनुमान है, यानी कि बहुत सारी मूवी चल रही है, जिसकी वजह से इस मूवी को 4,250 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया जा रहा है, जो कि काफी अच्छे स्क्रीन्स काउंट है। और भाई साहब इन स्क्रीन्स काउंट के ऊपर ये मूवी काफी अच्छा बड़ा कलेक्शन कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है, एडवांस बुकिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये जो मूवी है फर्स्ट डे पर अगर इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, यानी कि पब्लिक को ये मूवी पसंद आती है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये मूवी पूरा उतरती है, तो भाई साहब ये मूवी फर्स्ट डे पर 25 से 30 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कर सकती है। यस, यानी कि इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तब ये मूवी कर पाएगी जब ये मूवी पब्लिक को पसंद आएगी। और अगर इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं, यानी कि पब्लिक को ये मूवी पसंद नहीं आती, तो भाई साहब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो ड्रॉप होकर 20 से 22 करोड़ तक आ सकता है। यस, यानी कि अगर नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं तो भाई साहब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा, और अगर पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं तो भाई साहब ये मूवी 30 करोड़ तक फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और वहीं जो सेकंड डे होगा वो भाई साहब इस मूवी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी को पता है कि नेक्स्ट डे 26 जनवरी और रिपब्लिक डे और भाई साहब हॉलीडे है, यानी कि फर्स्ट डे पर अगर फाइटर मूवी पब्लिक को पसंद आ जाती है, इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, तो भाई साहब इस मूवी का जो सेकंड डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई साहब इस मूवी के अंदर देशभक्ति भी बहुत बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलने वाली, यानी कि फुल पैट्रियटिज्म वाली ये मूवी है। तो यहां पर फर्स्ट डे इस मूवी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
गया है। वैसे तो इस मूवी के जो इनसाइड रिव्यूज निकल कर आ रहे हैं वो भाई साहब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन भाई साहब असली गेम तब इस मूवी की बजेगी जब ये मूवी पब्लिक को पसंद आएगी। यस यानी कि जब ये मूवी पब्लिक को पसंद आ जाएगी तो भाई साहब इस मूवी का जो कलेक्शन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फाइटर मूवी की जिस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही है, ये मूवी फर्स्ट डे पर 25 से 30 करोड़ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या फाइटर मूवी 30 करोड़ तक फर्स्ट डे पर जा पाएगी या नहीं, हमें जरूरत है लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।